जय श्री राम भक्तों, आज का विषय है ये पांच चीजें दूसरों को देने से मनुष्य का भाग्य नष्ट होता है। आज का विषय अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, हमें बचपन से लेकर अब तक ये सिखाया गया है कि दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और जो भी चीज हम दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना फल हमको वापस प्राप्त होता है। लेकिन हमारे विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पांच चीजें, घर की पांच चीजें ऐसी होती है जिसको किसी भी परिस्थिति में हमको किसी को दान में नहीं देना चाहिए, ना उधार देना चाहिए, ना इस्तेमाल करने को देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो भाग्य है वो नष्ट होगा। और ये पांचों वस्तुएं, पांचों चीजें मां लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है, जिस वजह से मां लक्ष्मी रुष्ट होंगी और मां लक्ष्मी आपके घर से और आपके पास से दूर चली जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी। और जब मां लक्ष्मी घर से रुष्ट हो जाएंगी तो उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी, जो दरिद्रता का दूसरा रूप है, उनका प्रवेश होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में अनेकों अनेक कष्टों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज के इस भौतिक युग में कोई भी कार्य बगैर धन के संपन्न हो ही नहीं सकता है। आज इस भौतिक युग में और इस कलयुग में कोई भी ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो बगैर धन के संपन्न हो सके। अगर आपको अपने घर में और अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, तो धन लक्ष्मी का आगमन व होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भूल कर भी आपको अपने जीवन में ये पांच चीजें जो हम बताने जा रहे हैं, इनको कभी ना दान देना चाहिए, ना किसी को उधार देना चाहिए, ना किसी को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन चीजों को देने के साथ ही आपका भाग्य भी नष्ट हो जाएगा और लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में अनेकों अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ध्यान से आप सुनिए। नंबर एक, पहली चीज, पत्नी के गहने। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, आपको अपने पत्नी के गहने, मंगलसूत्र, पायल, मांग टीका, कंगन या कुछ भी, ना तो ये बेचने हैं, ना किसी को ये दान देने हैं, ना किसी को उधार देने हैं, और ना किसी को इस्तेमाल करने के लिए देने। क्योंकि इन सब वस्तुओं का सीधा सीधा संबंध लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, और घर की पत्नी भी लक्ष्मी का रूप मानी गई है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। नंबर दो, घर की झाड़ू। इसको भी किसी भी परिस्थिति में
आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने हेतु ना दें, ना किसी दूसरे व्यक्ति की झाड़ू को स्वयं अपने घर में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दूसरे के घर के जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश करेंगी। झाड़ू का पूरा सम्मान करें, इसको पैर ना लगाएं, सायंकाल झाड़ू ना लगाएं, और झाड़ू पुराना या खराब होने पर उसको इधर उधर कूड़ेदान में या सड़कों पर ना फेंकें। हो सके इसको कहीं पानी इत्यादि में, तालाब इत्यादि में डाल दें। नंबर 3, सूरज डूबने के बाद किसी भी सफेद वस्तु का दान या किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें, जैसे दूध, दही, नमक, आटा इत्यादि। किसी भी परिस्थिति में इसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को दान ना दें, ना इस्तेमाल के लिए दें। अगर देना आवश्यक है तो ये वस्तु है उसको पैसों से बाजार से खरीद कर दे दें, लेकिन अपने रसोई घर से ये चीजें ना दें, क्योंकि रसोई घर की इन चीजों में भी लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत कुपित होती है, रुष्ट होती है। नंबर 4, आपने जो कुछ धन अपनी पत्नी को दिया है और पत्नी ने उसको बचाकर अपने पास रखा है, जिसको कि हम पत्नी धन कहते हैं, इस पत्नी धन को भी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को ना दे, ना उधार दे, और किसी भी पर्व इत्यादि पर, खास तौर से त्योहार पर, एकादशी इत्यादि पर कोई धन किसी को उधार ना दें। ये भी माँ लक्ष्मी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा करने से भी आपका भाग्य नष्ट होता है और लक्ष्मी रुष्ट होती है। नंबर 5, रसोई घर का चकला, बेलन व तवा इत्यादि भी किसी भी परिस्थिति में आपको दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि ये सब चीजें भी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा से सीधी सीधी जुड़ी हुई मानी जाती हैं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होती हैं और आपका भाग्य नष्ट होता है। ऐसा करने से आपके घर में आलक्ष्मी का वास हो जाएगा, आपके भाग उसका भी नाश होगा, और आने वाले दिनों में आपको धन संबंधी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, किसी भी परिस्थिति में इन 5 चीजों का दान या उधार या इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी ना दें। अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए और अपना भाग्य उत्तम चाहिए तो आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्पिरिट चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।